वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बड़ी पारी खेलने से नाकाम रहे। मैच की दूसरी पारी में वह 44 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ उनके शतक का इंतजार भी बढ़ गया है। हालांकि कोहली शानदार लय में दिख रहे थे और उन्होंने बेहतरीन शॉट्स भी लगाए, लेकिन पिछली कई पारियों की तरह इस बार भी वह सेट होने के बाद आउट हो गए। इस बार वह मोइन अली का शिकार बने। इसी के साथ मोइन अली ने विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में छठी बार अपना शिकार बनाया है। मोइन से ज्यादा जेम्स एंडरसन और नेथन लियोन ही दो ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने कोहली को टेस्ट में सबसे अधिक बार भेजा है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कोहली को सबसे अधिक बार आउट करने का रिकॉर्ड एंडरसन, टिम साउदी और मोइन अली के नाम है। इन तीनों गेंदबाजों ने कोहली को 10 बार आउट किया है। फिलहाल विराट आउट होकर जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्हें निराशा में देखा गया, उन्हें गुस्सा निकालते हुए देखा गया। इस दौरान विराट ने नाराजगी में अपना हाथ दीवार पर मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। को बता दें कि कोहली 53 पारियों से शतक नहीं बना पाए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी बार नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में शतक बनाया था। तब उन्होंने कोलकाता में 136 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब शतक नहीं बना पाने की निराशा कोहली के एक्शन में भी दिखने लगी है। इससे पहले कोहली जब लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में आउट हुए थे, तब भी उन्होंने ड्रेसिंग रूम में गुस्सा दिखाया था। उस समय उन्होंने नैपकिन पेपर फेंक दिया था। कोहली को बाद में बालकनी में भी निराश बैठे हुए देखा गया था। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।